मेरी भाभी फंसी हुई है। क्या करती थी अंदर? ये काम करती थी यहाँ पे। काम करती थी, कैसे आपको पता चला कि आग लगी? कैसे हमें जब आग लगी थी तो हमारा एक और भाई था, वो यहाँ से एग्जाम देकर जा रहा था। उन्होंने खबर करी कि इसमें भाभी भी थी, तो हमने कहा हाँ भाभी भी थी। लेकिन अब जब यहाँ आए तो ये पुलिस वाले से पूछे और ये फायर ब्रिगेड वाले से पूछे, उन्होंने कहा कि संजय गांधी हमने भेज दिया है। लेकिन संजय गांधी गए तो वहाँ मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है। फिर अंबेडकर गए, सारे हॉस्पिटल यहाँ के सरकारी गए, वहाँ सब मना कर रहे हैं। कौन अंदर कौन फंसा? मेरे ब्रदर हैं बड़े। बड़े क्या करते हैं अंदर? वो काम करते थे यहाँ पे, सात आठ साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और उनका यहाँ पे सीसीटीवी का कैमरे का काम होता था। यहाँ तो किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे पहली बात तो, उधर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। हाँ, और अब लेके जा रहे थे यहाँ से एम्बुलेंस में, अब एम्बुलेंस वालों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि संजय गांधी में लेके जा रहे हैं, अम्बेडकर में ले गए हैं। और ये यहाँ पे एक सोनिया हॉस्पिटल है उसमें, और एक और है सिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे सिटी है कोई और है उसमें, तो वहाँ पे पता किया तो वहाँ एक ही बंदा, कोई एक बंदा था अनिल नाम से, वही है, और कोई है भी नहीं वहाँ। দিল্লির মুনকা মেট্রো স্টেশনের কাছে চারতলা অফিস বাড়ি দোতলায় ছিল সিসিটিভি ক্যামেরা এবং রাউটার নির্মাতা সংস্থার অফিস। পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ ওই অফিসে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। দ্রুত আগুনে গ্রাসে চলে যায় গোটা বাড়ি। প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেন। দমকলের 30টি ইঞ্জিন প্রায় 6 ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, জানলা ভেঙে অনেকে উদ্ধার করা হয়। দমকল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কি জানানো হচ্ছে এবার শুনব। इन्फॉर्मेशन ये मिली कि करीब करीब हमें 5 बजे के आसपास ये कॉल मिली थी। शुरू में हमने 8 फायर टेंडर भेजे थे, बाद में इसको 25 किए, उसके बाद में 30 किए गए। लगभग 100 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं। आग पर काबू तुरंत पा लिया गया था, बट क्योंकि इसमें बताया गया 30 से 40 लोग वहाँ फंसे हुए हैं, तो सर्च ऑपरेशन अभी हमारा कंटिन्यू है। अभी 27 बॉडी हमें मिल चुकी है। दिल्ली में अग्निकांडे घटना प्रसंगे दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का वक्तव्य एबार आपनादेर शोनाबो। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास ये बिल्डिंग है, 4 मंजिल की बिल्डिंग, जिसमें आग लगी और भयानक आग लगी है। सारी बिल्डिंग ऊपर जल चुकी है। ग्राउंड फ्लोर पे शायद आग कम है, पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर की पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। 27 बॉडीज अभी तक मिल चुकी है, 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 8 लोग घायल थे जिनको अस्पताल पहुँचाया गया है। अभी मैं ऊपर मुआयना करके आया हूँ, तो काफ़ी राख है जिसको कूलिंग ऑफ हो रही है, तो फाइनल तो कल सुबह सारी कॉम्बिंग करने के बाद ही पता लगेगा कि कुछ और बॉडीज हैं या नहीं। आग बुझाने पे सारा ध्यान है। और जब हमारी फोर्स आई थी, फायर ब्रिगेड की फोर्स आई यहाँ पर, हमने 30 फायर टेंडर लगाए थे, तो ये जो मेन गेट है यहाँ पे आप खड़े हैं बंद था। দিল্লির মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের প্রতি সমবেদনা জানাই, আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লিতে মুনকা মেট্রো স্টেশনের কাছে অগ্নিকাণ্ডে এত মানুষের মৃত্যুতে শোকাহত, পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক টুইট করেছেন রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। শোক জ্ঞাপন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।